स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड। इट इज़ अ मेथड ऑफ कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कार्ल पियर्सन्स कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। तो हमने डिस्कस किया कि कार्ल पियर्सन्स कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन हम यूज़ करते हैं जब डेटा क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि इफ़ द क्वांटिटेटिव डेटा आर अवेलेबल एंड यू हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटेटिव डेटा, देन यू कैन यूज़ कार्ल पियर्सन्स कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का मतलब है कि वो वेरिएबल्स जिनको आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, डिजिट्स में शो कर सकते हो, जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, लेंथ हो गई, डिस्टेंस हो गई, एज हो गई। सो ऑल दीज आर द क्वांटिटेटिव डेटा बिकॉज इनको हम नंबर्स में शो कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर डेटा क्वालिटेटिव नेचर का है, इट मीन्स दैट वेरिएबल और डेटा दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, दैट कैन नॉट बी डिजिटाइज्ड इन नंबर्स, इन फिगर्स, देन यू हैव टू यूज़ स्पीयर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड। कि अगर डेटा क्वालिटेटिव नेचर का है, अगर वेरिएबल्स जो हैं वो क्वालिटेटिव नेचर्स के हैं, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, पॉवर्टी हो गया, इंटेलिजेंस हो गई, ब्यूटी हो गई, और ऐसे ही और दूसरे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, तो ऐसे वेरिएबल्स जो क्वालिटेटिव नेचर्स के हैं और उन वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप को आपको चेक करना है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखना है, तो फिर आप कार्ल पियर्सन्स कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन को यूज़ नहीं करोगे। उस केस में आप स्पीयर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड को यूज़ करोगे। इसको रैंकिंग मेथड भी कहते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए क्वालिटेटिव वेरिएबल्स दिए हुए हैं, किसी भी उसके क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, सपोज ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी को कैसे हम नंबर्स में शो करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि ऑनेस्टी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या लोएस्ट टू हाईएस्ट और हाईएस्ट टू लोएस्ट, और उसके बेसिस पे जो है हम रैंक डिफरेंस मेथड को यूज़ करके उसमें कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। अब इस मेथड को सबसे पहले ब्रिटेन के साइकोलॉजिस्ट थे चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, उन्हीं के नाम पर जो है इसको, इस मेथड को जाना जाता है स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। स्पीयरमैन द नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट हु एस्टैब्लिश्ड दिस मेथड, हु फर्स्ट यूज्ड दिस मेथड, कि उन्होंने सबसे पहले इस मेथड को बताया था, यूज़ किया था 1904 ईस्वी में। तो इसमें मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इस मेथड के बारे में कि दिस मेथड वॉज is used to establish the relationship between qualitative variables right? This method was first used by Charles Edward Spearman in 1904. He was a psychologist in Britain right? This method is also known as ranking method. तो अब सब समझिए सबसे पहले कि इस method को कब use करते हैं। This method is used to establish the relationship between qualitative variables.
जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। इस मेथड को सबसे पहले किसने यूज़ किया? दिस मेथड वॉज फर्स्ट यूज बाय चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन इन कब? 1904 में। 1904 में चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने सबसे पहले इस मेथड को यूज़ किया। ये मेथड क्यों यूज़ किया जाता है? ये मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप को चेक करना है, कोफिशिएंट कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, तो आपको इस मेथड को यूज़ करना है। उस केस में कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड यूज़ नहीं होगा। चार्ल्स स्पीयरमैन थे कौन? वो साइकोलॉजिस्ट थे। किस कंट्री के थे? ब्रिटेन के थे। ठीक, इस मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? रैंकिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए इसके बेसिक्स, राइट। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसको जो है मैं लिख देता हूं, this is denoted by Greek letter Rho, but in practice we can use RR, हम इसे RR से भी denote करते हैं। Technically it is denoted by Greek letter Rho, but in common practice we can use RR for its as its symbol, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा RR equal to 1 minus sigma 6 d square upon n into n square minus 1। ये इसका फार्मूला, ऐसे आप नोट कर लीजिए। क्या? RR equal to 1 minus 6 एक सेकेंड, यहाँ फॉर्मूला मैं ऊपर लिखता हूँ फिर उसकी, क्योंकि उसकी डेरिवेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो ये मैं साफ कर देता हूँ फिर उसका ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूँ। आप पहले इसे नोट करना, उसके बाद फॉर्मूला को नोट करना। तो इसका फॉर्मूला होगा RR equals to 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1। ये इसका फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक, वेयर, अब मैं सभी की वो वैल्यू लिख देता हूँ कि क्या आर आर क्या है। ये इट इज यूज्ड फॉर रैंक कोरिलेशन, बट टेक्निकली द ग्रीक लेटर रियो is used for rank correlation। ठीक, डी सिग्मा डी स्क्वायर क्या है? सिग्मा डी स्क्वायर है स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस of rank of each pair of observation, each pair of observations
एन क्या है? एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का मतलब है वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये इसका इलेबोरेशन हो गया। वन और सिक्स जो है वो कांस्टेंट फिगर है। अब इसमें डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में पढ़ा था कि अगर पॉइंट अगर वन है तो वो परफेक्ट कोरिलेशन होगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर वो 0.9 से 0.99 के बीच में है तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा। और इसी तरीके से दूसरी इंटरप्रिटेशन है जैसे कि कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हमने पढ़ी थी जिसको डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला हो गया आर इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। आर क्यों यूज़ करते हैं? आर हम जो है आर एक तरीके से इंडिकेटर है। आर के हम आर से हम डिनोट करते हैं स्पीयरमैन कोरिलेशन को। ठीक, सिग्मा डी स्क्वायर क्या है? स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स ऑफ ईच पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए रैंक 1 और रैंक 2 दी हुई है तो डी क्या होगा? रैंक 1 माइनस रैंक 2। डी क्या है? डी इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू रैंक्स। कि रैंक वन और रैंक टू के उसमें भी दी हो सकती है टर्म में, या रैंक एक्स और बाई सीरीज में, मान लीजिए एक्स और बाई सीरीज दी हुई है तो आर एक्स हो गया और आर बाई हो गया, यानी कि रैंक ऑफ एक्स सीरीज एंड रैंक ऑफ बाई सीरीज। तो डी जो होता है, डी इज़ द डिफरेंस, यानी कि रैंक वन और रैंक टू दी हुई है किसी भी मान लीजिए कोई एक पर्सन है उसकी दो सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए एक सब्जेक्ट है मैथ्स और एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश के मार्क्स उसकी रैंक वन हो गया, मैथमेटिक्स के मार्क्स उसकी रैंक टू हो गया। तो डी क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ, कि इंग्लिश और मैथ की जो रैंक है उसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा डी हो गया। एन क्या है? एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि टोटल कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, कितनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है ना, ये बात हो गई। अब जो रैंक कोरिलेशन है या स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड है, इस रैंक कोरिलेशन को तीन केसेस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड अंडर थ्री केसेस। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसको मैं साफ कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना, लेकिन तीनों केस में फॉर्मूला ये सेम लगेगा। तीनों में से कोई भी केस हो, the same formula will be used to compute the rank correlation to main yahan likh deta hu ki rank correlation can be calculated under three circumstances या under three conditions। क्या conditions हैं? पहली condition है कि when ranks आर गिवन, जब रैंक दी हुई है, ये पहला केस है। दूसरा केस क्या हो सकता है? व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। रैंक्स दी हुई नहीं है तो फिर आपको उनको रैंक फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसके बाद आप उसे कैलकुलेट करोगे। थर्ड है when some values or some ranks are equal। तो पहला केस तो हो गया कि रैंक गिवन है, तो जो रैंक गिवन है आप उन रैंक का डिफरेंस निकाल लोगे। दूसरा केस हो गया कि रैंक गिवन नहीं है, दूसरे केस में रैंक गिवन नहीं है तो आपको पहले रैंक कैलकुलेट करनी पड़ेगी और रैंक को कैलकुलेट करने के बाद फिर आप रैंक कोरिलेशन निकालोगे। तीसरा केस है कि रैंक तो गिवन है लेकिन कुछ रैंक या कुछ वैल्यू
इक्वल है तो उसमें फिर अलग मेथड यूज़ करोगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस को डिस्कस करेंगे कि व्हेन रैंक्स आर गिवन, कि रैंक दी हुई है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट केस, दैट इज व्हेन रैंक्स आर गिवन। अब एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन है द रैंक ऑफ द सेम 15 स्टूडेंट इन टू सब्जेक्ट दैट इज इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स आर गिवन। द टू नंबर्स विद इन द ब्रैकेट डिनोटिंग द रैंक ऑफ द सेम स्टूडेंट इन इकोनॉमिक एंड स्टेटिस्टिक्स रिस्पेक्टिवली, यूज स्पीयर्समैन फार्मूला टू फाइंड आउट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये कह रहे हैं कि 15 स्टूडेंट्स की रैंक दी हुई है दो सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में और स्टेटिस्टिक्स में, ब्रैकेट में दो वैल्यू दी हुई हैं और वो दो वैल्यू जो है इकोनॉमिक और स्टेटिस्टिक्स की रैंक है। अब आपको स्पीयरमैन कोरिलेशन यूज़ करना है, इस तरीके से दी हुई है। जो रैंक दी हुई, उनके मार्क्स दिए हुए हैं वो इस तरीके से दिए हुए हैं ब्रैकेट में 1 और 10, यानी उसकी फर्स्ट स्टूडेंट की इकोनॉमिक्स में रैंक है 1 और स्टैटिस्टिक्स में रैंक है 10। सेकंड ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 और 7। थर्ड ब्रैकेट में दिया हुआ है 3 और 2। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है 4 और 6। नेक्स्ट फिर दिया हुआ है 5 एंड 4। फिर दिया हुआ है 6 एंड 8। और फिर दिया हुआ है 7 एंड 3, 8 एंड 1, 9, 11, 10, 15, 11, 9, 12, 5, 13, 14, 12, 15, 13। अब आपको रैंक कोरिलेशन इसमें निकालना है। 15 स्टूडेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो n की वैल्यू तो होगी 15, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 15। तो सबसे पहले तो लिखिए स्टूडेंट्स, ठीक, स्टूडेंट्स कितने 15, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब इनकी रैंक मान लो हम एक्स और वाई के टर्म में लिख देते हैं, तो एक सब्जेक्ट की इकोनॉमिक्स की रैंक होगी आर एक्स और स्टेटिस्टिक्स की रैंक मान लेते हैं आर वाई। अब पहले स्टूडेंट की इकोनॉमिक्स में रैंक क्या है फर्स्ट, तो हमने फर्स्ट लिख दिया, और उसकी स्टैटिस्टिक्स में रैंक क्या है 10। वैसे सेकंड स्टूडेंट की इकोनॉमिक्स में रैंक क्या है सेकंड, और स्टेट्स में रैंक क्या है 7। इसी तरीके से लिखते हैं 3 4 and 6 5 and 4 6 and 8 7 and 3 8 and 1 9 and 11 10 15 11 9 12 and
5, 13 and 14, 14 and 12 और 15 and 13। ठीक, ये हमने रैंक लिख ली। यहाँ पे n लिख दीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 15, 15 स्टूडेंट हैं। अब हम लिखेंगे d, डिफरेंस। डिफरेंस क्या का मतलब क्या है, आर एक्स माइनस आर वाई, ये है d। क्या है आर एक्स माइनस आर वाई, ये माइनस ये। तो 1 माइनस 10 माइनस 9, 2 माइनस 7 माइनस 5, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 6 माइनस 2, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 8 माइनस 2, 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 1 7, 9 माइनस 11 माइनस 2, 10 माइनस 15 माइनस 5, 11 माइनस 9 2, 12 माइनस 5 7, 13 माइनस 14 माइनस 1, 14 माइनस 12 माइनस 2, 15 माइनस 13 2। ये हो गया आपका डिफरेंस d। अब आप d स्क्वायर कर दीजिए, इनकी स्क्वायर वैल्यू। तो 9 की स्क्वायर वैल्यू 81, 5 की स्क्वायर वैल्यू 25, 1 4 1 4 16 49 4 25 4 49 1 4 एंड 4। इसका टोटल करिए जो होगा सिग्मा डी स्क्वायर। तो अब इनका टोटल करते हैं, क्या क्या है, 81 प्लस 25 26 30 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 53 प्लस 29 प्लस 58 272। ठीक, 272 आ गया सिग्मा डी स्क्वायर। अब फॉर्मूला लिखिए रैंक कोरिलेशन का, आर आर इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो अब देखिए, तो 1 माइनस 6 और 272 अपॉन एन कितना है 15, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 225 माइनस 1। तो 1 माइनस 6 को मल्टीप्लाई करो 272 से, ये आ जाएगा 1632 अपॉन 15 को मल्टीप्लाई करो 224 से, ठीक 3360। अब 1632 अपॉन 3360, ये आ गया 49.49 मान लेते हैं हम। ठीक, तो 1 माइनस 0.49, तो ये आंसर आपका आ गया 0.51। यही आपका रैंक कोरिलेशन है, दिस इज़ द आंसर ऑफ रैंक कोरिलेशन, कितना 0.51। कैसे किया हमने, हमने पहले स्टूडेंट लिख लिए, स्टूडेंट कितने हैं 15, तो 15 स्टूडेंट लिख लिए। फिर ये रैंक हो गई इकोनॉमिक्स में, और ये रैंक हो गई स्टेट्स में, इसी तरीके से सभी ब्रैकेट में है। तो ये इसकी फर्स्ट स्टूडेंट की इकोनॉमिक्स में रैंक हो गई फर्स्ट, और स्टेट्स में रैंक हो गई 10। वैसे सेकंड स्टूडेंट की इकोनॉमिक्स में रैंक है सेकंड, और स्टेट्स में रैंक है 7। थर्ड स्टूडेंट की स्टेट इकोनॉमिक्स में रैंक है थर्ड, और स्टेट्स में रैंक है 2।
तो अब हमने निकाला डिफरेंस, इसको मान लीजिए हमने एक इकोनॉमिक्स की रैंक को आर एक्स लिख लिया और स्टेट की रैंक को हमने आर वाई मान लिया, या आर वन या आर टू भी लिख सकते थे, ठीक है ना। अब डी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स, यानी कि इसका और इसका जो डिफरेंस है वही हमारा डी है, उसको हम डी बोलते हैं, डी मीन्स डिफरेंस। तो 1-10 -9, 2-10 -5, 3-2 1, फिर इनकी हमने स्क्वायर वैल्यू कर दी जो कि ये आ गई, इनका हमने टोटल किया तो वो हो गया सिग्मा डी स्क्वायर। अब हमने जो हमारा फार्मूला है रैंक कोरिलेशन का वो है आर आर इक्वल टू 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। तो हमने इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर दी तो हमारा ये आ गया क्या, 1-0.49। तो हमारा कोरिलेशन क्या आ गया, कोरिलेशन आ गया 0.51। दिस इज द रैंक कोरिलेशन बिटवीन द रैंक ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेट्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स, कि 15 स्टूडेंट्स की जो इकोनॉमिक्स और स्टेट्स में जो रैंक दी हुई है उस रैंक का जो कोरिलेशन है वो है 0.51। तो अब इस लेक्चर को समझना, पूरा लेक्चर गो थ्रू करना, इस न्यूमेरिकल को समझना, और इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। अब से ये फर्स्ट केस हो गया, कौन सा, मैंने 3 केस बताए हैं, व्हेन रैंक्स आर गिवन, सेकंड रैंक्स आर नॉट गिवन, और थर्ड व्हेन सम वैल्यूज और सम रैंक्स आर इक्वल। तो ये पहला वाला केस था कि व्हेन रैंक्स आर गिवन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, कि जब रैंक गिवन नहीं होगी, और जब रैंक गिवन नहीं होगी तो सबसे पहले तो आपको रैंक फाइंड आउट करनी होगी, और रैंक फाइंड आउट करने के बाद फिर ये पूरा यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन। So in next lecture we will discuss the second case, this is when ranks are not given. Till then, bye bye, take care, thank you very much.